मध्य प्रदेश के सागर में रैली कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर अटैक किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नामदारों ने अपने वंश का फायदा करने के लिए देश की कई पीढ़ियों के साथ अन्याय किया। पीएम को एक्टर कहने वाले राजस्थान के सीएम को भी मोदी ने निशाने पर लिया और कहा कि अब जिस पार्टी के नामदारों को रिमोट की इतनी आदत हो तो उसे हर कोई एक्टर ही नजर आएगा, चाहे रिमोट से सरकार चलानी हो या वीडियो गेम खेलना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के भदोही में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में आजादी के बाद चार तरह के राजनीतिक कल्चर चले, नामपंथी, वामपंथी, दमनपंथियों के बाद हम विकासपंथी लेकर आए हैं। पीएम ने बाकायदा इसका मतलब भी समझाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जात पात और पंथ के नाम पर आपस में भिड़ाया और सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है। देश ने चार प्रकार के दल, चार प्रकार की राजनीति, चार प्रकार का गवर्नेंस, चार प्रकार का पॉलिटिकल कल्चर देखा है। वो चार प्रकार कौन है? पहला है नामपंथी, दूसरा है वामपंथी, तीसरा है दाम और दमनपंथी, और चौथा है जो हम लाए हैं, विकासपंथी। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में रैली को संबोधित कर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, हरियाणा में खट्टर से पहले तीन डी का राज चलता था, एक दामाद का डी, दूसरा दरबारी का डी, तीसरा डीलर का डी। कांग्रेस के जमाने में थ्री डी चलते थे, एक दामाद का डी चलता था, एक दरबारी का डील चलता था और तीसरा डीलर का डील चलता था। ये तीन डी के इर्द गिर्द कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर। यूपी के जौनपुर में सीएम योगी ने कांग्रेस और महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि जिस तरह चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, उसी तरह बीजेपी का शासन भ्रष्टाचार के गठबंधन को अच्छा नहीं लग रहा। सीएम योगी ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य समेत सभी बुनियादी सुविधाओं का हवाला देते हुए एसपी बीएसपी के गुंडा राज से मौजूदा दौर की तुलना की और जनता से कहा कि ये अब आपको तय करना है कि आपको विकास पसंद मोदी जी चाहिए या भ्रष्टाचार का गठबंधन। को कहा गया है चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है, और भाइयों बहनों इसीलिए बिजली नहीं देते थे। आज तो बिजली मिल रही है ना, भरपूर मिल रही है ना, सबको कनेक्शन और सब जगह बिजली देने का कार्य दो वर्ष में 1.5 लाख मजदूरों तक बिजली पहुंचाए हैं, और आगामी दो वर्ष के दौरान कोई मजरा नहीं बचेगा, कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके पास विद्युत का अपना कनेक्शन नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में दिल्ली में बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां एक मंच पर इकट्ठा हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौजूदगी में रेसलर खली, फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर, अभिनेत्री पूनम ढिल्लन और कई सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सराहना की। इस दौरान बोनी कपूर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, न सिर्फ देश बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों में भी मोदी लोकप्रिय नेता हैं। ऑफकोर्स मोदी जी, और वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत परफेक्ट लीडर हैं हमारे इंडिया के लिए, और हमारे इंडिया को ऐसे लीडर की ज़रूरत है, दैट्स व्हाई आई एम। जहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास ही मुद्दा बा, हमके बहुत कुछ ना आवे लेकिन फिर भी जितना हम समझ पाते हैं, जहाँ एक ही चर्चा है सबका साथ सबका विकास, घर घर में मोदी, हर हर मोदी बोल रहे हैं लोग, आज इंडस्ट्री सारे एकत्र होकर यहाँ पे आ पहुँची है, तो ज़रूर हम ये मैं ठान के बताऊंगी कि मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। इससे पहले कई जगहों पर मतदान कर्मियों को ईवीएम का डेमो भी कराया गया। अमेठी, रायबरेली समेत 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 7-7 सीटों पर मतदान होगा। बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।
लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान है। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी टक्कर दे रही हैं, जबकि रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश सिंह से है। वहीं लखनऊ में त्रिकोणीय मुकाबला है, यहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह की टक्कर समाजवादी पार्टी की पूनम सिन्हा और कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम से है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और झारखंड के हजारीबाग से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में मैराथन रैलियां कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। गुना में राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था और देश की सीमाएं काफी मजबूत हुई हैं। मोदी के नेतृत्व में इस बार मजबूत सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राजमाता सिंधिया बीजेपी की प्रेरणा स्रोत रही हैं। यूपी के फूलपुर में रैली कर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी को 180 डिग्री वाला प्रधानमंत्री बताया और कहा कि ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये 180 डिग्री वाले प्रधानमंत्री हैं। 180 डिग्री वाले प्रधानमंत्री मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो बोलते हैं उसका उल्टा काम करते हैं। महागठबंधन पर पीएम मोदी के हमले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। इनको हमारा यही कहना है कि जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीएसपी सपा वह आरएलडी का गठबंधन बना है, तो तब से यहाँ बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभूतपूर्व संकट में है। थप्पड़ कांड पर मोदी सरकार को घेरने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने करारा जवाब दिया और कहा कि मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई, लेकिन मैंने उस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन अफसोस कि केजरीवाल के पास ऐसी घटना पर राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी घटना क्यों घटती है, ये भी एक सवाल उठता है। और जब कुछ घटना मेरे साथ घटी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने इसको इग्नोर किया है। राफेल मामले पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते रहे हैं। शनिवार को पीएम मोदी ने यूपी की एक रैली में राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा था कि उनके पिताजी का जीवन नंबर एक भ्रष्ट नेता के तौर पर खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस के लोग उनकी छवि खराब करके एक कमजोर सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के आतंकवादियों और नक्सलियों के साथ संबंध हैं। आतंकवाद के जो संबंध हैं या नक्सलवाद के संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत करीबी रहे हैं। करीब का संबंध हमने तो छत्तीसगढ़ में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से नक्सलियों को पैसा पहुँचाने का काम करते हैं। चुनावी माहौल में जय श्री राम के नारे पर राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। लाखों करोड़ लोगों की भावना को ठेस पहुंची है और दिखाना पड़ेगा ये लोगों को कि हिंदुओं की भावना को भी ठेस लगती है तो क्या होता है, और आपको आप कानूनन कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा।